हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वीकेंड सनी। मैं आया हुआ था ऑफिस में और ऑफिस का काम हो चुका है मेरा, अब 2 भी बज गए हैं और खाने का टाइम हो गया। मेरा एक दोस्त आने वाला है और वो मेरे से बोल रहा था कि भाई चलो कहीं बाहर कुछ खा के आते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं सोच रहा था कि आपको एक छोटा सा रुड़की का टूर भी करवा दूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको रुड़की दिखाता हूं कि हमारा शहर 3 किलोमीटर में ये शहर है और बहुत छोटा सा शहर है, बहुत जल्दी एक छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं और ठीक है मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारा शहर कैसा है देखने में। 3 किलोमीटर में ये पूरा शहर, एक 3 किलोमीटर का राउंड है उसमें ये पूरा शहर हो जाता है। मतलब अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो हम मतलब मुश्किल से 1-2 मिनट पहले निकलते हैं और अपना पहुंच जाते हैं जहां पर भी हमें कहीं पर जाना हो। सबसे अच्छी बात तो इस शहर की ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं हमारे शहर के, और यहाँ का जो प्रशासन है, आप बोल रहे हैं तो थूक आ रहा है मेरे हाथ पे, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब कोई यहाँ पर कोई गुंडागर्दी या कोई बदमाशी, मेरा बाप बदमाश था मैं बदमाश, इस टाइप का यहाँ पर कुछ नहीं होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, बहुत शांत है। और आप अगर यहाँ पर आए ठीक है, और मेरा होटल है होटल कैनाल व्यू, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से हरिद्वार भी बहुत कम किलोमीटर पे पड़ता है, लगभग कोई 20-22 किलोमीटर पे हरिद्वार होगा यहाँ से, और मसूरी भी यहाँ पर पास में ही है, देहरादून भी पास में ही है, तो बहुत ही अच्छा शहर है। गाइज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ, वो मेरा दोस्त है और वो कैमरे पे आते टाइम बहुत शर्माता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो जा रहे हैं देखो सामने, ये कैमरे पे आने से ना बहुत शर्माता है, पता नहीं क्यों शर्माता है इतना कैमरे पे आने से। तो मिलाता हूँ आप, तो गाइस जो मेरा दोस्त है वो आ रहा है, मैं आपको मिलाता हूँ। ये हमारे राजीव भाई, राजीव भाई क्या हाल है? जहर बोल दूंगा इस हवा में। बढ़िया जी सन्नी भाई। ये मेरे राजीव भाई है ठीक है, इनका मोबाइल का काफी काफी काम होगा इनका भी। से अगर आपको मतलब मोबाइल्स वगैरह कुछ चाहिए हो तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इनका नंबर डाल दूंगा। बहुत बढ़िया आदमी है राजीव भाई अपने। काम है पुल्ला। और निकलने से पहले एक काम करते हैं, पहले गाड़ी में डलवा लेते हैं डीजल। डाल रहे डीजल, ये अक्सर यही मेरी गाड़ी में डीजल डालते हैं हमेशा से। एक भाई ये भी घूम रहा है यहाँ पर, बहुत मुस्कुरा रहा है। हाँ वही तेरी मुस्कुराहट, खुल के मुस्कुरा जरा, खुल के मुस्कुरा। ऐसे तो गाइस दो लालाओं से मिलवाता हूँ आपको, बहुत रुड़की के शहर के सबसे बड़े लाला है ये, और इन्होंने आधा रुड़की खरीद रखा है पूरे, और इन्होंने जो है खोल रखा है पंचर की दुकान, पंचर वंचर लगाते हैं, टायर वायर बेचते हैं, और ये दो लाला है बहुत मशहूर है। आइए अब मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। हाँ जी लाला जी, क्या हाल है? लाला जी बोल लो। बढ़िया है, और कैसे चल रहा है काम? मजदूरी में इतनी दिक्कत आई। जो दोस्त मेरे साथ जाने वाला है उसके पास आया हूँ मैं फिलहाल उसे लेने, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने रोड पे फिलहाल यहाँ पे रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है। अब उसे लेने जाता हूँ, वो ऑफिस में है क्योंकि वो वीडियो बनाता रहेगा और मैं आपको दिखाता रहूँगा ना। ये मेरा फ्रेंड है गिन्नी और इसका यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑफिस है ठीक है, तो अब मैं इसी के साथ जा रहा हूँ, अब ये वीडियो बनाता रहेगा, फिर मैं आपको लोकेशंस वगैरह दिखाता रहूँगा। जो मेरे बड़े भाई हैं उनका नाम है हन्नी भाई, और ये हमारे हन्नी भाई हैं, ये हमारे हन्नी भाई है, थोड़े साइको टाइप आदमी है, इनका मूड कब खराब हो जाए कब सही रहे कुछ नहीं पता, तो ये अपने मूड के हिसाब से चलते हैं गाइस। तो मिलता हूँ मैं आपको ठीक है। रुड़की में ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ का ना एक ब्लू कलर का एक पुल है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो चलो मैं आपको सबसे पहले वही दिखाता हूँ। गाँव में दिखाता हूँ आपको अपने शहर का, ये हमारे शहर का पुल है, और ये अभी ना इस पर थोड़ा कलर नहीं हो रखा है तो उसे थोड़ा इग्नोर। जैसे कि ब्लॉग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा शहर आधा शहर इधर है और आधा शहर इधर है, उसके बीच में से कैनाल जा रही है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वही चीज़ दिखाता हूँ कि इस आधा शहर तो इसकी इधर है और आधा शहर इधर है और बीच में से कैनाल जा रही है। ये ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये ना मैंने सुनी थी, कहाँ सुनी थी कुछ पता नहीं है, अभी भूल गया हूँ, बाद में बताता हूँ। लेकिन ये लोकेशन देखो कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ से देखने में ना कितना अच्छा लगता है। ये हमारे शहर की सबसे बेस्ट चीज़ है, एक इधर से भी उधर की साइड से भी एक ब्रिज दिखता है, वो भी देखो। और ये यहाँ पे इरिगेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर,
ठीक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, इसके साइड में गार्डन वगैरह भी है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश। मुझे ना अपने शहर की सबसे अच्छी रोड ये वाली लगती है, क्योंकि बहुत शांत रहती है, बिल्कुल शांत। और ना शाम के टाइम यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, बहुत बढ़िया है। इस रोड की लोकेशन बहुत प्यारी है, इस पर ट्रैफिक भी कम मिलता है। अभी तो फिलहाल ट्रैफिक हो भी रहा है, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक मिलता है इस पर। हमारे शहर की जो ज़्यादातर दीवारें हैं ना, वो ऐसे ही कलरफुल हैं। ये दीवारें बहुत बढ़िया लगती है मुझे। थोड़ा इधर आ जा, थोड़ी आवाज़ भी तो आएगी मेरी, वरना पता कैसे लगेगा। जो हमारे शहर की ज़्यादातर दीवारें हैं, कुछ ऐसी हैं। माय सिटी माय प्राइड लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो वॉल्स है ना, ये बिल्कुल एकदम फॉरेन वाला लुक देती है, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा शहर है और ये सच में एकदम बिल्कुल फॉरेन वाला ही लुक देता है। और ये हमारे यहाँ का ना सिविल लाइन्स मार्केट है, ये यहाँ का ना सबसे बड़ा मार्केट यही है रुड़की का, सिविल लाइन्स। यहाँ पर मतलब आपको कपड़ों कपड़ों की दुकान मिलेगी, मतलब हर चीज़ की मार्केट है यहाँ पर, हर चीज़ की शॉप है और काफ़ी अच्छी मार्केट है। अभी इस टाइम इसमें इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन शाम के टाइम इसमें जो लाइटिंग हो जाती है तो वो काफ़ी सुंदर लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और आप जब कभी भी रुड़की आए तो इस मार्केट में ज़रूर आना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस मार्केट। यहाँ पे मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी सारा सामान मिलता है, ठीक है। कुछ भी अगर यहाँ पे से लेना चाहे, ज्वेलरी वगैरह लेना चाहे, क्लोथ्स वगैरह लेना चाहे, शूज जैकेट्स, कुछ भी अगर यहाँ पे से लेना चाहे तो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है। हाल ही में ना हमारे शहर में एक नया ब्रिज बना है, वो ब्रिज भी ये वाला जो है गंगा ब्रिज के नाम से ये वाला ब्रिज बना है अभी, ये देख रहे हैं आप लोग। और हमारे शहर की ना सबसे बेस्ट जो लोकेशन है, मुझे ये वाली लोकेशन लगती है। इसके साइड में रोड है और साइड में इसके कैनाल जा रहा है। इसकी ना जो फॉरनर्स वगैरह जब कभी यहाँ पर अंग्रेज़ रहते थे तो उन्होंने उनकी इंजीनियरिंग इतनी कमाल की इंजीनियरिंग है ना, इसके नीचे से कैनाल जा रहा है और ऊपर से रोड जा रहा है, ये बहुत ही कमाल चीज़ है। मतलब ये कैनाल देखिए कितने सुंदर लगे चलते हुए। इसे देख के ना मुझे कभी कभार तो एक चीज़ याद आ जाती है मुझे, मतलब जब हम बचपन में मूवी देखने जाते थे तो अपनी कैनाल को देख के कहो ना प्यारे, तो ये हमारे शहर की सबसे खतरनाक जगह लगती है मुझे, जहाँ पे ना पानी का जो फ्लो होता है ना वो बहुत तेज़ी से आता है। और यही वो वाला पुल है जिसकी मैं बात कर रहा था ना, आपको बता रहा था कि यहाँ की जो कमाल की इंजीनियरिंग कर रखी है। कैनाल की दूसरी साइड देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, यहाँ पर एकदम सूखा है। और इसके नीचे नदी है और ऊपर नहर है, ऊपर इसके नहर चल रही है और नीचे नदी है। और इस पुल के ऊपर है तुम्हारा भाई, और ये हमारे शहर में एक वाटर पार्क भी है जिसका नाम है क्रिस्टल वर्ल्ड, वो दिखाता हूँ आपको। अभी फिलहाल कोविड जैसे चल रहा है ना, तो कोविड की वजह से अभी वाटर पार्क पूरा बंद पड़ा हुआ है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारे शहर की जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो मैं आपको दिखाना भूल गया, आपके सामने वो जो इस शहर की सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है। यो यो यो, तो गाइस मेरा ऑर्डर आ चुका है और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, और मैं खाऊंगा अपना खाना। बाय बाय।